दोस्तों, यूएसबी टाइप सी जो है आज के डेट में हमारे मोबाइल फ़ोन में रहना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मतलब खास करके आप अगर 10,000 से ज़्यादा वाला मोबाइल ले रहे हैं, मतलब आपका मोबाइल का दाम अगर 10,000 से ज़्यादा है, तो उसमें यूएसबी टाइप सी रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आजकल तो 10,000 से नीचे वाले मोबाइल में भी आपको यूएसबी टाइप सी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जिस मोबाइल में यूएसबी टाइप सी नहीं रहता है, तो उस मोबाइल का हम लोग शिकायत कर देते हैं कि भाई इसमें यूएसबी टाइप सी नहीं है। तो कभी कभी तो उस मोबाइल को हम लोग लेने के लिए मना भी कर देते हैं कि भाई इसमें यूएसबी टाइप सी नहीं देखने को मिल रहा है, इस मोबाइल को आप लोग मत लो। तो ऐसे में बात निकल के ये आता है कि भाई यूएसबी टाइप सी आखिर है क्या। मतलब यूएसबी टाइप सी के अलावा आमतौर पे हमारे मोबाइल में जो पोर्ट देखने को मिलता है वो होता है माइक्रो यूएसबी पोर्ट। तो यहाँ बात निकल के ये आता है कि कैसे यूएसबी टाइप सी माइक्रो यूएसबी पोर्ट से बेहतर है, उसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। तो आपको अगर यूएसबी टाइप सी के बारे में बढ़िया से जानना है, और आपको अगर जानना है कि कैसे माइक्रो यूएसबी पोर्ट से बढ़िया है यूएसबी टाइप सी, तो ऐसे में इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। तो क्या होगा कि सारी चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे यूएसबी टाइप सी के बारे में कि कैसे यूएसबी टाइप सी माइक्रो यूएसबी पोर्ट से बढ़िया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम सारे चीज़ को एकदम आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ बढ़िया से समझ में आ जाए। ज़्यादा भारी भरकम भाषा में आपको नहीं समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अंतर तो ये है कि आप अपना जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट वाला चार्जर है, उसको आप एक ही साइड से एक ही तरह से अपना मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट वाला चार्जर है, उसको अगर ऐसे पकड़ के कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे पकड़ के कनेक्ट होगा, और ऐसे पकड़ के कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे पकड़ के कनेक्ट होगा। मतलब आपका माइक्रो यूएसबी पोर्ट का जो चार्जर है, वो अगर ऐसे पकड़ने के बाद कनेक्ट हो रहा है, तो उसको आप ऐसे पकड़ के उल्टा करके उसको अंदर डाल नहीं सकते। इसमें क्या होगा कि आपका जो चार्जर है वो टूट सकता है, आपका जो चार्जर सॉकेट है मोबाइल का वो भी खराब हो सकता है। मतलब किसी एक तरीके से, पार्टिकुलर एक तरीके से उसको जो है आप अंदर में आपका मोबाइल का अंदर में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूएसबी टाइप सी के साथ ऐसा नहीं है। आप जो है यूएसबी टाइप सी को ऐसे या ऐसे, मतलब उल्टा या सीधा किसी भी तरह से जो अपना मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब माइक्रो यूएसबी पोर्ट में क्या हो रहा है, किसी एक ही एंगल से, मतलब ऐसे हो रहा है तो ऐसे होगा, ऐसे हो रहा है तो ऐसे होगा। लेकिन यूएसबी टाइप सी के साथ ऐसा नहीं है। यूएसबी टाइप सी में जो है आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। किसी भी तरह से जो आप अपना मोबाइल के साथ यूएसबी टाइप सी वाले केबल को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो सबसे बड़े डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों में, वो हो गया डाटा ट्रांजेक्शन स्पीड। मतलब आपको जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट में 480 Mbps तक डाटा ट्रांजेक्शन का स्पीड देखने को मिल जाएगा। लेकिन जहां तक बात रहा यूएसबी टाइप सी की, तो यूएसबी टाइप सी में आपको 10 Gbps तक का डाटा ट्रांजेक्शन स्पीड देखने को मिल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितना अंतर देखने को मिलेगा डाटा ट्रांजेक्शन स्पीड में दोनों में। उसके बाद दोस्तों, दोनों में आपको पावर सप्लाई में भी बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। मतलब जो यूएसबी टाइप सी होता है वो ज्यादा पावर सप्लाई कर सकता है, और जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट होता है वो कम पावर सप्लाई करने का क्षमता रखता है। मतलब जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है ना, वो 5 एम्पीयर 2.4 वाट तक का ही मैक्सिमम पावर सप्लाई कर सकता है। लेकिन जहां तक बात रहा यूएसबी टाइप सी की, तो यूएसबी टाइप सी आपका 5 एम्पीयर 100 वाट तक का पावर सप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें से आप अपना मोबाइल, अपना टैबलेट, अपना लैपटॉप को बड़ी आराम से चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है वो हो गया प्रोटोकॉल में। मतलब जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट होता है ना, उसमें वो खाली डिस्प्ले प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक बात रहा यूएसबी टाइप सी की, तो इसमें आपको थंडरबोल्ट देखने को मिल जाता है, MHL देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको डिस्प्ले प्रोटोकॉल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको साथ में देखने को मिल जाता है HDMI के सपोर्ट। मतलब आपको जो यूएसबी टाइप सी में बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज का सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। और साथ में दोस्तों, आप जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट से खाली चार्ज कर सकते हैं और डाटा को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक बात रहा यूएसबी टाइप सी की, तो इसमें आप डाटा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, और इसमें जब ऑडियो और वीडियो को भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी आप देखे होंगे जो सारे फोन में यूएसबी टाइप सी होता है ना, उसमें से कोई कोई फोन का ऑडियो जैक नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलता है यूएसबी टाइप सी वाले हेडफोन, और उसको क्या करना पड़ता है, जो यूएसबी पोर्ट होता है उसमें हेडफोन का जो जैक होता है उसको इनपुट कराना पड़ता है। उसके बाद जो है बड़ी आराम से आप अपना संगीत को सुन सकते हैं, अपना जो गाना वगैरह है, सॉन्ग वगैरह है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, यूएसबी टाइप सी के द्वारा आप जो है ऑडियो और वीडियो को भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो यूएसबी पोर्ट के द्वारा यह संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये सारा जो है मेन अंतर दोनों में देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा अंतर आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है, जो सारे मेन अंतर दोनों में देखने को आपको मिलेगा, मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों में, उसके बारे में आपको मैं बता दिया हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सारे यूएसबी टाइप सी में जो है आपको 100 वाट तक का पावर सप्लाई का क्षमता नहीं रहता है, और सारे यूएसबी टाइप सी में आपको 10 Gbps तक का डाटा ट्रांजेक्शन का क्षमता नहीं रहता है। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस पे बेस्ड है। मतलब जो यूएसबी टाइप सी आपको मिल रहा है, ये किस में बेस्ड है, 2.0, 3.0 या 3.1, मतलब किस में बेस्ट है। मतलब यहां आपको अगर मिल रहा है 2.0 वाले यूएसबी टाइप सी, तो ये जो है भाई आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट जैसा स्पीड देगा। मतलब इसका जो कनेक्टर है वो खाली यूएसबी टाइप सी जैसा है, लेकिन अंदर का जितना सारा चीज है वो माइक्रो यूएसबी पोर्ट जैसा ही है।
लेकिन यहाँ अगर आपको मिल जाता है 3.1 वाले यूएसबी टाइप सी, तो यहाँ जो है आपको 100 वाट तक का पावर सप्लाई मिल जाएगा और साथ में 10 Gbps का डाटा ट्रांजेक्शन स्पीड भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको बताना था यूएसबी टाइप सी के बारे में जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझने की कोशिश कर रहा था उधर चीज़ आप समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में यूएसबी टाइप सी को लेकर कोई भी सवाल है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देने की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आपको अच्छा लगा, ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा, तो ऐसे में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले साथ, ताकि जो जानकारी इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में रोजाना आपके लिए लाते रहते। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो का, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।